आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही स्पाइसी और राजस्थान की फेमस लहसुन मिर्च की चटनी, जो कि दिखने में भी एकदम परफेक्ट है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये रेसिपी आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से देने वाली हूँ, तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लाल मिर्च को सोकिंग के लिए रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये बॉइल वाटर लिया हुआ है और इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे ताकि 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ये लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से सोक होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लहसुन लिया हुआ है और ये लगभग एक मुट्ठी लहसुन मैंने लिया हुआ है। इसे हमें रोस्ट करना है अच्छे से घी के साथ या फिर ऑयल के साथ। तो मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ और इस पैन में मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं, घी से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये लहसुन डाल दिया है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। और जैसे ही इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इतने में ये हमारी जो लाल मिर्च है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी फूल कर, अच्छे से इसका कलर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट भी हो गई है। तो मैं इसे यहाँ पर स्ट्रेन भी कर लूंगी और इतने में ये जो हमारा लहसुन है इसके ऊपर हल्का हल्का सा एक गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा हमने पहले इसीलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि अगर हम पहले ही ऐड कर देते तो जीरा जल जाता, क्योंकि हमें लहसुन को काफी देर तक भूनना है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरा भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर लाल मिर्च ऐड कर देंगे जिसे मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनने वाले हैं ताकि जो भी पानी है मिर्च के साथ वो अच्छे से इवेपोरेट हो जाए। जितना अच्छे से आप इसे भूनेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा। और इस चटनी के लिए ऑयल या घी आप जो भी ले रहे हैं वो ज्यादा ही लगता है, क्योंकि हम इसे इजीली स्टोर भी कर सकते हैं इसी तरह से बनाकर। मैंने यहाँ पर 1/3 कप ऑयल लिया था। तो बस अब आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्ची है वो अच्छे से भुन चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो चटनी हमारी खराब हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये चटनी का ही जो है वो सब अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं यहाँ पर इसे एक जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ। बस यहाँ पर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर वाली चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। और कलर भी जो है वो बहुत ही अच्छा आया है, सेम जिस तरह से हम बाहर से ये चटनी लेकर आते हैं तो हमें पसंद आती है, इसी तरह से आप आसान तरीके से इसे घर पर भी ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस 10 से 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो अब आपका जब भी मन करे लहसुन मिर्च की चटनी खाने का तो आप इसे घर पर ही बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।